नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज फिर बढ़ेगा चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बयालीस प्रतिशत होगा डी तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वेलाइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पोस्ट के तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ गई है उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि महंगाई भत्ते में एक बार फिर चार प्रतिशत का उछाल देखने को मिल सकता है ये इशारा महंगाई के आंकड़ों की तरफ कर रहा है दरअसल ए इंडेक्स के आंकड़ों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है हालांकि कर्मचारियों को यह तोहफा नए साल में मिलेगा अगला डी हाइक जनवरी दो में होना है लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगाई का आंकड़ा इशारा कर रहे हैं कि चार प्रतिशत बढ़ोतरी तय है दोस्तों एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि महंगाई बत्ते में चार प्रतिशत का इजाफा होगा लेकिन अभी भी महंगाई पर नज़र बनाए रखनी होगी आर लगातार महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई है दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ते का तोहफा अगले साल मिलेगा यह जनवरी 2023 से लागू होगा लेकिन इसका ऐलान मार्च 2023 में होली के आसपास होगा चार प्रतिशत के उछाल के साथ महंगाई भत्ता बयालीस प्रतिशत पर पहुंच जाएगा मिनिमम बेसिक सैलरी का कुल सात सौ प्रति महीने का इजाफा होगा वही अधिकतम सैलरी रेंज के लिए दो, दो प्रति महीना बढ़ेगा दरअसल लेबर मिनिस्ट्री ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े जारी किए हैं सितंबर में यह आंकड़ा एक पर रहा जून के मुकाबले सितंबर 2022 का ए इंडेक्स में कुल 2.1 प्रतिशत की तेजी आई है पिछले महीने अगस्त की तुलना में देखें तो 1.1 प्रतिशत का उछाल रहा दोस्तों ए इंडेक्स के नंबर्स दूसरी इंडेक्स के लिए काउंट होंगे दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2023 में महंगाई बत्ते का इजाफा होगा हर साल जनवरी से नया महंगाई बत्ता लागू होगा लेकिन इसका ऐलान मार्च में होता है डीए को हर छः महीने में रिवाइज किया जाता है पहला जनवरी और दूसरा जुलाई में जून 2022 तक के आंकड़ों से जुलाई 2022 के लिए डीए में चार प्रतिशत का उछाल देखने को मिले मिला था फिलहाल अड़तीस प्रतिशत की दर से महंगाई बत्ता मिल रहा है जिसका कैलकुलेशन बेसिक पे के आधार पर मानकर प्रतिशत में होता है दोस्तों अब मान लो कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अठारह हजार रुपये है तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी हुई अठारह हज़ार रुपये नया महंगाई भत्ता हुआ प्रतिमा के हिसाब से इजाफा होगा सात हज़ार पाँच सौ साठ रुपये का अब जो महंगाई भत्ता है उससे कर्मचारी को इजाफा होने लग रहा है हर महीने छः हजार आठ सौ चालीस रुपये का अब कितना इजाफा हुआ वो हुआ सात हजार पाँच सौ साठ में से अगर छः हजार आठ सौ चालीस माइनस करते तो सात सौ का और सालाना सैलरी में इजाफा हुआ सात को अगर 12 से गुना करते आठ हज़ार का ऐसे ही हम अगर कैलकुलेशन करते हैं अधिकतम बेसिक सैलरी पर छप्पन हज़ार नौ सौ पर तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी हुई छप्पन हज़ार नौ सौ रुपये नया महंगाई भत्ता बयालीस प्रतिशत के हिसाब से प्रतिमा हुए तेईस हजार आठ सौ अठानवे रुपये अब जो महंगाई भत्ता है उसके हिसाब से प्रतिमा कर्मचारी को फ़ायदा हो रहा है इक्कीस हज़ार छः सौ बाईस रुपये का अगर तेईस हजार आठ सौ अट्ठानवे रुपये में से इक्कीस हजार छः सौ बाईस अगर माइनस करते हैं तो दो हजार दो सौ छिहत्तर रुपये आए और सालाना सैलरी में इजाफा हुआ दो हजार दो सौ छिन्तर को अगर बारह से गुना करते हैं तो सताईस हजार तीन सौ बारह रुपये तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत